हेलो स्टूडेंट्स आई होप एवरीवन इज इन गुड हेल्थ आज हम कवर करने जा रहे हैं एडमंड स्पेंसर की लिखी हुई एक पोएट्री प्रोथेलेमियन प्लीज वॉच द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इन शॉर्ट प्रोथेलेमियन एंड द फुल नेम Prothelemion or a spousal verse in honor of the double marriage of Lady Elizabeth and Lady Catherine Somerset is a poem by Edmund Spenser, one of the important poets of the Tudor period in England. ट्यूडर पीरियड को ब्रिटिश हिस्ट्री का सुनहरा दौर ब्रिटिश हिस्ट्री का गोल्डन एरा भी बोला गया है इट वॉज अ टाइम ऑफ म्यूजिक क्वींस शेक्सपियर गुड लिटरेचर द पीरियड इज़ नेम्ड आफ्टर ट्यूडर डायनेस्टी दैट रूल्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम फोर्टीन एटी फाइव टिल सिक्सटीन जीरो थ्री द एलिजाबेथन एरा इज द एपॉक द पार्ट ऑफ द ट्यूडर पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजेथवान हिस्टोरियंस इस पीरियड को हमेशा गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहकर डिपेक्ट करते हैं अब बात करते हैं ट्यूडर डायनेस्टी के एक पॉपुलर पोएट एडमंड स्पेंसर की एडमंड स्पेंसर जिनका जन्म 1552 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 13 जनवरी 1599 में हुई थी ही वॉज़ एन इंग्लिश पोएट एंड ही इज़ अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ़ फेरी क्वीन एंड एपिक इन्फिंटेस्टिकल एलिगोरी सेलिब्रेटिंग द टूडर डानेबैथिफिकली हीज़ रिकोगनाइज एजन ऑफ द प्रेमियर क्राफ्ट मैन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वर्स एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हम बात करेंगे पोएट्री प्रो थेमियन की प्रोथेलेमियन जिसको एडमंड स्पेंसर द्वारा फिफ्टीन नाइनटी सिक्स में लिखा गया था दिस इज दैलिब्रेशन ऑफ द एंगेजमेंट्स ऑफ एलिजाबेथ एंड कैथरीन सामरसेट द डॉटर्स ऑफ द अर्ल ऑफ सामरसेट अर्ल एक तरीके की पोजिशन है रॉयल पोजिशन एंड द पोएम वॉज इनोवेटिव एंड अनयूजल फॉर इट्स टाइम इन फैक्ट स्पेंसर क्विंट द वर्ल्ड प्रोथेलेमियन हेमसेल्स स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्टिकुलर पोइट्री मॉडलिंग द टाइटल ऑन दर्ल्ड एपिथेलेमियन एपिथेलेमियन शायद आप सब लोगों ने पढ़ी होगी दिस वॉज रिटर्न प्रायर टू प्रोथीलेमियन एंड इट वॉज बेस्ड अपॉन स्पेंसर्स ओन मैरिज सो एपिथिलेमियन से ही राइम करता हुआ एक वर्ड प्रोथेलेमियन कॉइन किया स्पेंसर ने अपिथेलेमियन uh, का मतलब होता है वेडिंग सॉन्ग एंड अनलाइक एन एपिथिलेमियन विच सेलिब्रेट्स अ वेडिंग अ प्रोथेलेमियन सेलिब्रेट्स अ बेट्रोथल और एंगेजमेंट So as I told, Epithalamion was written to honour the self-marriage, and this particular poetry was written uh, honouring the marriage of Elizabeth and Catherine Somerset. Edmund Spencer's poem Epithalamion centres its theme of celebration around the River of Thames. So Thames River is my पोएट्री में बहुत बार ये वर्ड आएगा थीम्स विच इज अ की सिंबल एंड सेटिंग इमेजेस एंड आइडियाज ऑफ ब्यूटी सराउंड द थीम्स सच एज निम्स गैदरिंग फ्लावर्स क्राउन्स फॉर द टू सिस्टर्स द स्पीकर ऑल्सो इन वोक्स अदर क्लासिकल डेटीज एज अ वे ऑफ एलिवेटिंग द पोएम एज अ वे ऑफ प्रोसीडिंग द पोएट्री द पोएम बिगिन्स विद दीज लाइन्स काम वॉज द डे एंड थ्रू द ट्रेम्बलिंग एर द स्वीट ब्रीथिंग जेफिरस डिट सॉफ्टली प्ले जेफिरस हम विंड के देवता को भी कहते हैं द पोट इज स्टैंडिंग इन द बिगिनिंग नियर द थेम्स रिवर एंड फाइंड्स अ ग्रूप ऑफ निम्स विद बास्ट्स कलेक्टिंग फ्लावर्स फॉर द न्यू ब्राइड तो कुछ बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ दिखती हैं जो uh, मे भी जिनकी शादी है उन गर्ल्स के लिए फ्लावर्स कलेक्ट कर रही हैं The poet tells us that they are happily making the bridal crowns for Elizabeth and Catherine, and he goes on his poem des uh, describing two swans at the Thames relating to the mythology, mythological love of Leda. Uh, according to the myth, uh, Jove, that, that is Jupiter, falls in love with Leda and comes to court her in the shape of a beautiful swan. The poet feels that the themes has done justice to the marriage song by flowing softly according to his request. And he keeps on uh, saying throughout the poetry these lines, sweet themes, run softly till I end my song. So in lines through to it is poetry ko identify hi paoge. The poem is often grouped with Spencer's poem about his own marriage, the Epithelemian. American-born British poet T. S. Eliot. quotes the लाइन स्वीट थिंग्स रन सॉफ्टली till एंड end सॉन्ग इन in his 1922 poetry the wasteland wasteland bhi वेस्ट लैंड भी आप ही के सिलेबस का पार्ट है उस टाइम पर पैटर्नशिप बहुत चलता था पैटर्नशिप का मतलब है कि यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय समबडी और इवन इफ यू आर टैलेंटेड टू बी एन एस्टेब्लिश्ड राइटर यू नीड टू हैव दैंड ऑफ सम प्रोमिनेंट पर्सन ओवर योर तो एक ऐसा पर्सन जो आपको ना सिर्फ स्पॉन्सर करे बल्कि आपको अप्रूव भी करे एज अ राइटर नो मैटर दैट पर्सन इज लेस टैलेंटेड दैट यू तो ये सिस्टम एक तरीके से इनजस्टिस तो है ही और स्पेंसर को भी ये सिस्टम पसंद नहीं था सो so, प्रोथिलेम एक ऐसे ही दौर में लिखी गई थी व्हेन स्पेंसर वॉज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ पेटर्न फॉर हिमसेल्फ so in 1596 was written at a time in his life of disappointment and trouble when Spencer was only a visitor to london here he is passive observer only then the bridegroom turned poet uh, earlier in his own poetry he was himself the bridegroom in epithalamion and hence uh, though as beautiful metrically as his own marriage ode epithalamion it uh, naturally does not voice the same हैप्पीनेस सेम एक्सटेसी ऑफ पैशन तो प्रोथीलेमियन में उतना पैशन नज़र नहीं आता जितना पैशन एपीथेलेमियन में नज़र आता था वो रिवर के पास आता है कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स को देखता है और साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी परेशान है ही वॉज कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड विद दी जॉब एट दी कोर एंड ऑल ही वॉन्टेड इज सम मेंटल पीस the cool breeze covered the heat of the sun by reflecting a shade of tender warmth there are flowers everywhere and the birds uh, birds chirp happily the poet as a refrain refrain repeated lines as a refrain requests the river to flow softly until he ends his song calm was the day and through the trembling air sweet breathing zephyrus did softly play a gentle spirit दैट लाइटली डिड डिले तो इन पोल्ट्रीज में ही इज आस्किंग द वेस्ट विंड की वेस्ट विंड को आज के दिन बहुत ही स्वीट ब्रीड करना चाहिए और बहुत ही सॉफ्टली प्ले करना चाहिए बहुत ही सॉफ्टली फ्लो करना चाहिए इसके बाद स्पेंसर बात करते हैं उन निम्स की उन अप्सराओं की जो वहां पर फ्लावर्स कैदर कर रही थी टू बी मैरिड गर्ल्स के लिए Every nymph looked uh, stunning and had loose strands of hair falling to their shoulders. Nymphs together prepared bouquets of flowers with white lilies, red roses, tulips, violets, and daisies, whatever names of flowers he could recall, he mentions there. So, with store of uh, roses to deck their bridegroom's poses against the bridal day, which was not long, sweet themes run softly till I end my song. एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है लेडा एंड दी स्वैन जिसमें जुपिटर नाम के एक गॉड ने अपने लव लेडा को पाने के लिए स्वैंस का रूप लिया था तो उसी सीन को डिस्क्राइब किया गया है इन सम अदर कॉन्टेक्सट हेयर इन दिस पोइट्री एज द मिस्टिक एंटिटी स्पेंसर इंट्रोड्यूसेस द स्वैंस स्वैंस अक्रॉस द रिवर लुकड होली एंड वाइटर देन जुपिटर हु डिस्काइज एज अ स्वैन टू विन हिज लव लेडा

द रिवर थीम्स नॉट टू डर्टी विंग्स ऑफ द स्वान तो दिखाया गया है कि वो स्वैंस इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं इतने ज्यादा वाइट हैं इतने ज्यादा शाइनी हैं कि रिवर अपने वाटर से रिक्वेस्ट करती है कि इन स्वैंस के सेक्रेट विंग्स को प्लीज डर्टी ना किया जाए मैं पोइट्री की एंड की कुछ लाइन्स कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स बता रही हूँ आपको इन लाइन्स में बताया गया है कि अर्ल ऑफ सामर सेट गर्ल्स फादर वॉक टूवर्ड्स द रिवर एंड ही लुकड फ्रेश विद हिज लवली गोल्डन हेयर एंड ही वॉज अ कंपनी बाई टू यंग मैन दो यंग मैन जिनसे उनकी डॉटर की शादी होने वाली थी टू यंग मैन हु आर ब्रेव हैंडसम एंड ग्लोरियस दे रिजेंबल द ट्विंस ऑफ जूपिटर तो so स्पेंसर ने मेंशन किया है कि ये दोनों हैंडसम मैन इतने ज़्यादा हैंडसम थे कि ऐसा लगा कि शायद जुपिटर के ट्विन्स हैं जुपिटर हाथ टू ट्विन्स केस्टर एंड पॉलिक्स द मैन हेल्ड दी हैंड्स ऑफ द ब्राइड एंड देर वेड लॉक बिगन देयर बाय विद द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर अ सक्सेसफुल वर्स प्रोथीलेमियन इज एम्ब्रॉयडर्ड विद लॉन्ग लास्टिंग स्टाइल एंड सिंप्लिसिटी एंड इट्स It ends with the same line, sweet themes run softly till I end my song. Spencer ne poetry like he, while visiting London from Ireland in 1596 to celebrate the betrothal or engagement of the Earl of Worcester's daughters Elizabeth and Catherine Somerset, Henry Gifford and William Peter, two gentlemen of the Inns of Court.

ही कीप्स ऑन से टिल एंड माई सॉन्ग और इस पोएट्री को हमेशा ही एपिथिलेमियन के साथ ग्रुप किया जाता है द पोए इज ऑफन ग्रुप विद स्पेंस पोएम अबाउट हिस्स ओन मैरिज एपिथिलेमियन आई होप यू लाइक दिस पोएट्री प्लीज अपने वैल्यूएबल इनपुट्स को कॉमेंट्स में लिख दीजिए थैंक्स अ लॉड फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स